हाथरस के जलेसर रोड पर लूट की सूचना पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे दरोगा के पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। बता दे दरोगा और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, साथ ही पुलिसकर्मी को लेकर जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। बता दे हाथरस जिले के हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के जलेसर रोड पर केशवपुर चौकी है, जहां लूट और अभद्रता की सूचना पर चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पुलिस फोर्स के साथ बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी आरोपियों की गाड़ी बहा गई, तब पुलिस वालों ने रोकने का इशारा किया तो बैरियर तोड़ने पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जिससे चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो वहीं दुर्घटना के बाद गाड़ी भी पास के खेत में जाकर फंस गई, जिसमें गाड़ी में मौजूद सभी लोग फरार हो गए, लेकिन साथ में मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा भागकर गाड़ी के ड्राइवर को मौके पर पकड़ा और दोनों घायलों साथ ही पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, जिस पर अब मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना जंक्शन क्षेत्र में एक बाइक द्वारा एक कंप्लेंट किया गया कि पीछे से एक फोर व्हीलर आ रहा है, जिसने बदतमीजी भी किया है और उससे लूटपाट किया। तो इस पर पीआरवी वहाँ थी, उसने उस गाड़ी का पीछा किया और आगे भी सूचना दी गई, तो चौकी केशवपुर पे बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उस गाड़ी ने बैरियर से गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज और छूट मिली, लेकिन गाड़ी रोक लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया और इनको चोट लगी, इसका उपचार कराया जा रहा है। इस संबंध में गाड़ी के चार पाँच लोग और बैठे थे, जानकारी में मिली है कि हसाई क्षेत्र का है और शराबी आवारा टाइप का है, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक। कितने लोग?